चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साल 1988 में आने वाली दो और बड़ी फिल्मों के बारे में। दोस्तों वहीं पर जानेंगे अनिल कपूर की तेजाब मूवी के बारे में, और दोस्तों वहीं पर बात करेंगे अनीता बच्चन की शहंशाह मूवी के बारे में, और दोस्तों वहीं पर जानेंगे कि साल 1988 में अनीता बच्चन या अनिल कपूर आखिर किस अभिनेता की मूवी निभाई थी वाजी, ये साल किसके नाम। तो दोस्तों सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाली है, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप भी अनिल कपूर और अनीता बच्चन को एक अच्छा और बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले शहंशाह मूवी के बारे में। ये फिल्म रिलीज हुई थी 12 फरवरी साल 1988 को। इसमें हमें नजर आए थे अनीता बच्चन, मीनाक्षी, कादर खान, अंग्रेज पुरी अहम किरदार में थे। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 6 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं इसने अपने पहले दिन 8 लाख रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं पहले हफ्ते में इस मूवी ने 40 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 12 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट करार दी गई थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं अनिल कपूर की तेजाब मूवी के बारे में। ये फिल्म रिलीज हुई थी 11 नवंबर साल 1988 को। इसमें हमें नज़र आए थे अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, चक्की पांडे इसमें अहम किरदार में थे। इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 8 करोड़ रुपये कमाई थी। वहीं अपने पहले दिन इस मूवी ने 11 लाख रुपये की शानदार कमाई की थी। वहीं अपने पहले हफ्ते में इस मूवी ने 62 लाख रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था, और वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 16 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर करार दी गई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाजी की के साल 1988 में अनीता बच्चन या अनिल कपूर। तो दोस्तों अगर हम बाजी की बात करें तो यहाँ पर शहंशाह से तेजाब मूवी आगे है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इसने काफ़ी शानदार करे थे, वहीं दुनिया भर से भी इसने काफ़ी शानदार कमाई की थी। तो दोस्तों अगर हम बाजी की बात करें तो यहाँ पर अनिल कपूर की तेजाब मूवी बाजी मारती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें अनीता बच्चन की शहंशाह मूवी के बारे में तो ये मूवी भी काफ़ी शानदार थी और इस मूवी को भी ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था। लेकिन अगर हम बाजी की बात करें तो यहाँ पर अनिल कपूर अनीता बच्चन से आगे हैं।